नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। परसों से नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी पर्व के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि माता भवानी के अन्य रूपों के विषय में एक जानकारी प्रदान की जाए। वैसे तो उनके कई रूप हैं, किंतु उनके 8 रूपों के एक समूह को बहुत महत्व दिया जाता है, जिन्हें हम मातृका के नाम से जानते हैं। 8 देवियों के समूह के कारण इन्हें अष्ट मातृका कहा जाता है। हालांकि अष्ट मातृकाओं का संदर्भ केवल नेपाल में मिलता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे यही समूह 7 देवियों का होता है, जिन्हें सप्त मातृका कहा जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि इन देवियों में प्रथम 6 तो निर्विवाद रूप से इन मातृकाओं के समूह में स्थान पाते हैं, किंतु अंतिम 2 के विषय में अलग अलग मतों में मतभेद है। यही कारण है कि जहां भारत में सप्त मातृकाओं का प्रचलन है, वहीं नेपाल में अष्ट मातृकाओं का। आइए इनके विषय में संक्षेप में जानते हैं। मातृकाओं में जो सबसे पहला स्थान है वो है माता ब्रह्माणी का। ये परमपिता ब्रह्मा की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं और उन्हीं की भांति इनकी भी 4 भुजाएं हैं। ये पीत वर्णीय है एवं परमपिता की भांति इनका आसन भी कमल है और इनका वाहन भी हंस है। अष्ट मातृकाओं में जो दूसरा स्थान है वह है माता वैष्णवी का। ये भगवान विष्णु की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। नारायण की ही भांति इनकी भी 4 भुजाएं हैं और वे उनमें शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। विभिन्न आभूषणों से युक्त ये देवी भगवान विष्णु की भांति अत्यंत ऐश्वर्यशाली दिखाई देती है। इनका वाहन भी उन्हीं की भांति गरुड़ है। मातृकाओं में तीसरा स्थान है माता माहेश्वरी का, जो भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। इनका एक नाम रुद्राणी भी है, जो भगवान रुद्र के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्हीं की भांति ये नंदी पर सवार होती है। भगवान शिव की भांति इनके भी 3 नेत्र हैं और अपनी 4 भुजाओं में ये डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष माला और कपाल धारण करती हैं। मातृकाओं में चौथा स्थान है माता इंद्राणी का, जो देवराज इंद्र की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। इन्हें ऐंद्री, महेंद्री और वज्री भी कहा जाता है। देवराज इंद्र की भांति ये भी ऐरावत पर सवार होती हैं और उन्हीं की भांति अपने वरद हस्त में वज्र को धारण करती हैं। इंद्र की ही भांति ये भी सहस्त्र लोचन है, अर्थात इनकी भी 1000 आंखें हैं। इनका रूप भी 4 भुजाओं से युक्त होता है। मातृकाओं में 5वां स्थान है माता कौमारी का। ये शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें देवी, कार्तिकी और अम्बा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय की ही भांति इनका वाहन भी मोर है और ये भी अपनी 4 भुजाओं में विभिन्न आयुधों को धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाओं में क्रमशः परशु, भाला, धनुष एवं रजत मुद्रा होती हैं। कहीं कहीं इन्हें भगवान स्कंद के ही भांति 6 हाथों के साथ भी प्रदर्शित किया जाता है। मातृकाओं में 6ठा स्थान माता वाराही का है, जो भगवान श्री हरि के 3रे अवतार भगवान वाराह की शक्ति का परिचायक है। ये अपनी 4 भुजाओं में दंड, हल, खड़क और पानपत्र धारण करती हैं। कई स्थान पर इन्हें यमदेव की शक्ति का प्रतिनिधि भी माना जाता है और उन्हीं की भांति ये महिष अर्थात भैंसे पर सवार रहती हैं। इन्हें अर्ध नारी और अर्ध वाराह के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। मातृकाओं में 7वां स्थान है माँ चामुंडा का, जो देवी चंडी का ही दूसरा रूप है। इन्हें चामुंडी और चर्चिका भी कहा जाता है। इनका रूप महाकाली से बहुत मिलता जुलता है। इनके 3 नेत्र हैं और इनका वाहन सियार है। असंख्य नरमुंडों से घिरी कृष्णवर्णीय इन देवी का स्वरूप अत्यंत भयानक है, किंतु वास्तव में ये बहुत कृपा प्रदान करने वाली हैं। मातृकाओं में 8वां और अंतिम स्थान माता नारसिंही का है, जो भगवान विष्णु के 4थे अवतार भगवान नृसिंह के शक्ति का
प्रतीक हैं। भगवान नृसिंह की ही भांति इन्हें भी आधी नारी और आधी सिंह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें नारसिंहिका और प्रत्यंगिरा के नाम से भी जाना जाता है। अपने चारों हाथों में ये विभिन्न प्रकार के आयुधों को धारण करती हैं। मित्रों, अष्ट मातृकाओं की महिमा अपार बताई गई है और ऐसी मान्यता है कि केवल इनके नाम का श्रवण करने से ही मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि इस नवरात्रि अष्ट मातृकाओं के नामों को श्रवण करने के कारण आपके जीवन में शुभ और केवल शुभ ही हो। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों को इसके बारे में बता सकते हैं और उन्हें इनसे जोड़ सकते हैं। अष्ट मातृकाओं पर एक लेख धर्मसंसार.com पर पहले ही प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो उस लेख को वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय माता की।